आप देख रहे हैं न्यूज एंड चैनल, आप सभी का इस्तकबाल है न्यूज एंड चैनल पर। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। सैफाबाद पुलिस स्टेशन हदूद याकूतपुरा के रहने वाले सैयद रिजवान अली अपने खानदानी अफराद के साथ I-20 कार में खैरताबाद स्टेशन के पास से जा रहे थे। सैयद रिजवान अली के घर वालों का कहना है कि तभी एक प्राइवेट बस इनके सामने आ गई और इन्हें कोने में दबा दिया, जिस पर सैयद रिजवान अली ने उस ड्राइवर को कहा कि वो बस सही से चलाए, जिस पर बस में सवार कुछ लोगों ने बस से उतरकर सैयद रिजवान अली की कार की चाबी ले ली और रिजवान को गाली गलौज करते हुए उनको मारना शुरू कर दिए। उसी वक्त नाइट ड्यूटी तैनात सैफाबाद पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर सूरज कुमार भी वहां पहुंच गए और उल्टा सैयद रिजवान अली और उनके साथ मौजूद खवातीन को ही मारना शुरू कर दिए। खवातीन का कहना है कि इतना मारा गया कि लकड़ी भी टूट गई। उसके बाद देखते ही देखते लोग जमा होना शुरू हो गए और सैफाबाद पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाज करते हुए सब इंस्पेक्टर सूरज कुमार को सस्पेंड करने की डिमांड की गई। पुलिस के सीनियर ऑफिसर भी वहां पहुंच गए और एडिशनल DCP इकबाल सिद्दीकी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस इस पर सख्त कार्रवाई करेगी और सब इंस्पेक्टर के खिलाफ तहकीकात करते हुए ये रिपोर्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री CV आनंद IPS को भी देंगे। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। देखे ये रिपोर्ट। ये देखो ये फूले वाला दिख रहा है ऐसा। मिडनाइट एक I-20 गाड़ी जिसमें मोहम्मद रिजवान अली एक 22 साल लड़का अपने फैमिली के साथ जा रहा था। ये खैरताबाद मेट्रो स्टेशन के पास एक सामने बस आ गई TS08UD6246। वो बच्चा गाड़ी को हटाने के लिए हॉर्न किया तो गाड़ी वाला बस वाला दबाया लड़के को, उसके बाद में बच्चा गाड़ी रुका दिया, बस वाला उतर के बदतमीजी से पेश आया, गाड़ी ऑफ कर दिया और बोल सो बदतमीजी से पेश आके बच्चे को मारा और बस में जो 10-12 पैसेंजर्स थे वो लोग भी हाथापाई करके बच्चे को मारे। और इस दौरान में क्या हुआ कि इमीडिएटली पीछे से पुलिस की गाड़ी आई, वो पुलिस की गाड़ी में ऐसे सूरज कुमार साहब थे जो अपने सहवाद PS के है, वो उन्हों गैदरिंग देख के बिना प्रोवोकेशन के एक रॉड एक छोटा अपना क्या होता है कपड़े का लाठी टाइप का स्टिक ले लेके
मारन थोड़ी इश्यू कर दिए, उसमें लकड़ी भी टूट गई, इसमें थोड़ा एक दो मोहतरमा को मार भी लगा इसमें, और इसमें हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, जो भी बस है इसको अरेस्ट करेंगे पूरे लोगों को, और ऐसा के खिलाफ भी सख्त से मतलब कार्रवाई करेंगे, डिपार्टमेंट कार्रवाई जो भी है हमारे कमिश्नर साहब को हम लोग उसको रिपोर्ट देकर उस पर एक्शन लेंगे और सस्पेंड बहुत सस्पेंड करा देंगे उनको। भाई मेरा नाम सलमान है, मैं भोइनपल्ली का रहने वाला हूँ, लकड़ी का पुल हिल्टन होटल के पास से मैं चांद मीनार जा रहा था, वहाँ पे बस वाला और कार वाला दोनों ओवरटेक करके एक्सीडेंट हो गया, और वहाँ पे हमारे भाई भाई लड़ रहे थे, तो हमारे बहन उतर के छोड़ा है कार में से, ऐसा ऐसा उतरते कि बच्ची को लकड़ी लेके मार के लकड़ी तोड़ दिए, बहुत बुरा मारे, और फिर पूरे मुसलमान एक हो गए अपने वालों को रोक रहे थे, बोलना पुलिस वाले आर्मी वालों को उतार के लाठीचार्ज कर रहे थे, कार में थे बोलना, कार में थे मारे, कार में थे बोलना, हाँ हाँ कार में थे बोलना, कार में से उतर के बच्चों छुड़ा रहे थे। अच्छा, उनका भाई था भाई कार चला रहा था, वो छुड़ा रहे थे, उतरते की मारना शुरू कर दी। अच्छा अच्छा, कौन सा टाइम पे हुआ के एग्जैक्ट? अभी एक डेढ़ घंटा पहले हुआ। मारने के बाद ऐसे समय से चले गए कार में बिठा के लेके चले गए? कौन? पुलिस वाले लेके चले, कार में बिठा के लेके चले गए, ऐसे समय से रुके या फिर वहाँ से चले गए? नहीं चले गए, चले गए।